ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਰਾਤ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ डॉक्टर गगनप्रीत कौर ते तुसी वेख रहे हो पंजाबी आयुर्वेदिक रसोई। अज असी अपनी रसोई दे विच एक बहुत ही पौष्टिक रात दा भोजन तैयार कर रहे हाँ। ये भोजन सानू बहुत सारियां बीमारियां तो ते मोटापे तो बचा सकता है। इन्ना ही नहीं, इहदे अंदर इन्ना ज़्यादा पोषण है कि साडे शरीर विच पाईयां जाण वालियां सारियां कमियां नू दूर कर दिंदा है, क्योंकि यह विटामिन्स मिनरल्स नाल भी पूरी तरह भरिया होया है। आओ रेसिपी दी विधि जानदे हाँ। अज दा भोजन असी कुटकी तो तैयार कर रहे हाँ। कुटकी एक तरह दा मिलेट है। असी इनू चावलां दी जगह ते वरत सकते हाँ या कणक दी जगह ते भी वरत सकते हाँ। ये बहुत ही चंगी रिप्लेसमेंट है। कुटकी किन्नी ज़्यादा गुणकारी है, इहदे बारे भी असी गल करांगे। तुसी इहदी पहचान करन दे लई इहदे दाणियां नू चंगी तरह देख सकते हो। कुटकी नू इंग्लिश विच लिटल मिलेट ते हिंदी दे विच सावा या समय भी आख्या जांदा है। इस दी वरतों बच्चियां तो लैके बजुर्गां तक सब लई कीती जा सकती है। रोगियां लई भी कीती जा सकती है ते निरोग रहन लई भी कीती जा सकती है। आज दी रेसिपी लई एक व्यक्ति दे लई सानू इस तरह 2 चम्मच कुटकी बहुत है। तुसी इस हिसाब नाल लै सकदे हो जिन्ने लोकां लई तुसी बनाउणी होवे। 2 चम्मच कुटकी लैके इस नू चंगी तरह धो के भिओ के सवेरे ही रख देंगे जे असी इनू शाम नू बनाउणा है। ते जे तुसी इनू सवेरे बनाउणा चाहुंदे हो तां रात नू ही भिओ के रख दिओ। असी 7 तों 8 घंटे दे लई कुटकी नू पहला ही भिओ के रख लिया है। तुसी कुटकी दी जगह कोदरा या होर कोई भी मिलेट भी लै सकदे हो। इस रेसिपी लई इस तों इलावा असी कुछ सब्जियां भी लवांगे। सब्जियां तुसी अपनी मर्जी दियां लै सकदे हो। मैं इत्थे एक बैंगन लै रही हाँ ते एक छोटा टुकड़ा लौकी या घीए दा लै रही हाँ। असी इन्हां नू छिल लवांगे। इधर असी पानी नू भी गर्म होण दे लई रख दिता है। कुटकी जे असी 2 चम्मच लई है ते एक पाईआ साडे कोल सब्जी है ता 1 लीटर दे लगभग पानी असी उबलन दे लई रख देंगे। जिन्नी देर तक पानी उबलदा है उन्नी देर तक असी सब्जियां नू कद्दूकस कर लैंदे हाँ। तुसी चाहो ता बरीक कट के भी पा सकते हो। शरीर दे विच किसे भी प्रकार दा दर्द होवे, बवासीर होवे, अस्थमा, सा या दमे दा रोग होवे, बुखार होवे, खंघ बहुत ज़्यादा रहिंदी होवे, आवाज़ खराब रहिंदी होवे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਗਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੌਕੀ ਵੀ ਪਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡਿਟੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਟਕੀ ਦਾ ਸੂਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਪ ਪਚਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੀਏ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਮੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਰੈਸਿਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਗਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਟਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਲਾਈਸੀਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਲੋ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
कुटकी दे विच मैग्नीशियम भरपूर मात्रा विच हुंदा है, जेड़ा कि साडे हार्ट लई टॉनिक दा काम करदा है। एदे विच पाया जाण वाला विटामिन B3 एक घुलनशील विटामिन है, जेड़ा कि कोलेस्ट्रोल नूं घट करन विच मदद करदा है। इस करके हाई कोलेस्ट्रोल दे पेशेंट लई भी ये बहुत चंगी है। ये साडे शरीर नूं डिटॉक्स करन दा काम भी करदी है। आओ हुण कुछ मसाले पाउंदे हाँ। स्वाद अनुसार असी इहदे विच सेंधा नमक पा देंगे, नाल ही थोड़ा जिहा काला नमक भी पा देंगे। नमक साडे शरीर विच भुख वधाउंदा है ते पाचन क्रिया नूं तेज करदा है। इस सूप नूं असी पूरी तरह पाचक बनाउणा चाहुंदे हाँ, इस करके असी थोड़ा जिहा मसाला तैयार करदे हाँ, जिहदे लई असी अद्धा चम्मच जीरा लै लवांगे। जीरा चर्बी नूं पिघलाउण दा काम भी करदा है, कोलेस्ट्रोल नूं भी घटाउंदा है, हाजमे नूं भी चंगा रखदा है। धनिया थायरॉयड ते तेजाब लई बहुत वधिया है। असी अद्धा क चम्मच मोटा धनिया लै लवांगे। 4 to 5 लोड़ अनुसार कालियां मिर्चां लै लैनियां हन, क्योंकि असी इहदे विच ना तां लाल मिर्च पा रहे हाँ ते ना ही हरी मिर्च। असी अपनियां अंतड़ियां नूं सुख देना है, इस करके ये सूप बहुत ही हल्का बनेगा। एदा एक एक घुट तुहानू तंदुरुस्ती दा एहसास कराएगा। सवेरे उठ के तुहाडा पेट इन्ना खुल के साफ होएगा कि तुहाडे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। नींद इन्नी खुल के आएगी कि अपने आप तड़के ब्रह्म मुहूर्त विच जाग खुलन लग जाएगी। यही कमाल हुंदा है रात दे भोजन दा। जे असी अपना रात दा वेला संभाल लईए तां सवेर संभालनी बहुत सौखी हो जाती है। इस मसाले नूं असी अपने सूप दे विच पा देंगे ते हुण असी इहनू ढक के 20 मिनट दे लई पक्कन लई रख देंगे। एक दो बार हिलाउणा चाहुंदे हो तां हिला सकदे हो, नहीं तां कोई बहुती जरूरत नहीं है। जदों असी रात दा खाना काफ़ी लेट खांदे हाँ ते पूरा भारी पेट भर के खाना खांदे हाँ तां ओह खाना कदी भी चंगी तरह नहीं पचदा। ओही खाना आम बन के साडे पेट दे विच जमा हुंदा रहिंदा है ते यही आम सानू 100 तरह दियां बीमारियां लगाउंदा है, जिवें कि थायराइड, PCOD, मोटापा, जोड़ां दा दर्द, हार्ट दा रोग, खून गाढ़ा करना, बहुत सारे रोग। पर जे असी रात दा भोजन इन्ना हल्का ते इन्ना स्वस्थ करिए, ये एल्किलाइन भोजन है जेड़ा एसिड बनन ही नहीं दे सकदा। इस दा पाक सानू सुख ही सुख देवेगा, कोई दुख नहीं दे सकदा। 20 मिनट हो चुके हन, साडा जिहड़ा सूप है वह बिल्कुल तैयार हो गया है। हुण असी इनू सर्व करते हाँ। तुसी बिना कसरत 8 to 10 किलो भार एक महीने विच घटाना चाहते हो तो रात नू इस तरह का हल्का सूप बना के लेना शुरू करो। ये सूप बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है, ये विच पोषक तत्तां की कोई कमी नहीं है ते नाल ही नाल पचन विच बहुत हल्का है। सगों साडी बॉडी नू डिटॉक्स करन वाला है, चर्बी नू पिघला के बाहर कढ़न वाला है। इस सूप नू लैन तो बाद 1.5 to 2 घंटे दे विच तुहानू सो जाना चाहिदा है। जेड़े लोग देर रात तक जागदे हन ते अपना सारा दिनचर्या नियम उन्हां दा विगड़िया होया है, रात नू बहुत लेट सोंदे हन, सवेरे बहुत लेट उठदे हन ते रात दी भुख दे विच कुछ भी खांदे रहिंदे हन, उन्हां नू बीमारियां लगना बहुत सुभाविक है। इस करके जे मजबूरी नहीं तां रात नूं 10 बजे तक सौ जाना चाहिदा है। बहुत ज़्यादा भुख लगती है तां शाम नूं ही 3 to 4 बजे दे विच कोई भी पौष्टिक भोजन लै लवो, जिवें कि थोड़े जे मखाने, दुध दा गिलास या फिर कोई हल्का जिहा स्नैक। इस नाल तुसी रात नूं हल्का भोजन लै के भी रात कट सकोगे। अपनियां अंतड़ियां दा रुखापन खत्म करन दे लई गरम गरम सूप दे विच एक चम्मच देसी घ्यो पा के लो। इस तरह देसी घ्यो पीन नाल जो फायदा तुहाडे पेट नूं मिलदा है वह तड़कियां तो कदी भी नहीं मिल सकता। कोई व्यक्ति बीमार है या कोई अपने आप नूं हमेशा ठीक रखना चाहुंदा है, इस सारियां लई उत्तम है। वैसे इस दी वरतों असी किसी भी समय कर सकते हाँ, जदों सानू घट भुख लगी होवे ते असी थोड़ा ही खाना चाहते होइए तो सवेरे, शाम, दोपहर जदों भी तुहानू लगे ते तुसी कुछ हेल्दी गर्म पीना चाहते हो तो यह बहुत वधिया है। खांसी, जुकाम, गले नू भी ठीक रखता है। मैनू उम्मीद है कि तुहानू ये रेसिपी पसंद आई होएगी। जे चंगे रिजल्ट लेना चाहते हो तो अज ही इस रेसिपी नू अपनी डाइट विच शामिल करो। मैं फिर मिलांगी एक होर नवी वीडियो नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।